राज्य में महिलाओं के लिए महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को पूरे राज्य से तूफ़ानी प्रतिक्रिया मिल रही है। योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के महज 25 दिनों में ही 1,80,00,000 से ज़्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। शिवसेना के उपनेता, प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने बताया कि यह जल्द ही 2 करोड़ के आंकड़े तक पहुँच जाएगी। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के बारे में निरुपम ने आगे कहा कि नारी शक्ति दूत ऐप ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इस ऐप के जरिए रोजाना 7 से 8 लाख आवेदन जमा होते हैं। इसके अलावा नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन 88,00,000 डाउनलोड किए गए हैं। इस ऐप को हर मिनट 800 डाउनलोड मिल रहे हैं। नारी शक्ति दूत ऐप देश में 27वां सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। इस ऐप के जरिए हर मिनट 650 आवेदन जमा होते हैं। निरुपम ने दावा किया कि इससे पहले किसी भी योजना को इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। निरुपम ने कहा कि इस योजना को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया राज्य की माताओं द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में जताए गए विश्वास की स्वीकृति है। महाराष्ट्र की बहनों के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन 5 जुलाई को फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज 30 जुलाई है, मतलब 25 दिन हुए। 25 दिनों में क्या क्या हुआ, मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र के लोग जानना चाहते हैं किस योजना को कितना बड़ा परिणाम मिला। यह आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लाडकी बहन योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, एक जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक पूरे महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आए हमारे पास पिछले 25 दिनों में, लगभग 1,30,00,000 और ऑफलाइन एप्लीकेशन आए हैं 50,00,000। ऑफलाइन एप्लीकेशन आए हैं 50,00,000, ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1,30,00,000। मतलब लगभग 1,80,00,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं, जबकि टोटल टारगेट 2,45,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का। मैं आज ही आपको घोषणा करना चाहता हूं कि 31 अगस्त जो लास्ट डेट है, 31 अगस्त तक जाते जाते अगर 2,45,00,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आ गए तो महाराष्ट्र सरकार उसको स्वीकार करेगी। सेंट्रल बजट में, यूनियन बजट में महाराष्ट्र के किस किस सेक्टर के लिए कितना फंड आया है, जब आप उसको काउंट करेंगे तो लगभग 1,00,00,000 से भी ऊपर का एलोकेशन सर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा सर। अकेले महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टेट है, बाकी स्टेट को भी देना। सर, या योजनेसाठी 35,000 करोडची प्रोव्हिजन करण्यात आली असे स्टेट गव्हर्नमेंटचं म्हणणं आहे। ही माहिती मिळू शकते की कोणकोणत्या डिपार्टमेंटून करून करण्यात आली, कारण महिला बाल विकास विभाग जो आहे त्याला फक्त 4,000 करोडची जे प्रोव्हिजन आहे, तर 35,000 करोड कुठून येणार? 45,000 करोड टोटल प्रोव्हिजन आहे, त्याच्यामध्ये पहिल्या फेजमध्ये 35,000 कोटी येईल, आणि तो कुठल्याही डिपार्टमेंटचा फंड काटून कापून याच्यामध्ये नाही काढलेला आहे। तो एक वेगळा प्रोव्हिजन आहे, वेगळी तरतुदी आहे। फॉर द फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट ऑर फॉर द एंटायर इयर? फॉर दिस फायनान्शियल इयर 35? ईच फायनान्शियल इयर, फॉर ईच फायनान्शियल 45,000। फॉर द फर्स्ट, लेकिन आपने कहा कि पहले इंस्टॉलमेंट के लिए 35,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। टोटल 45,000 करोड़ एक साल में होगा, लेकिन 35,000 करोड़ ऑलरेडी ईयर मतलब वो बजट हो गया इसकी योजना में, तो बाकी 10,000 करोड़ गया है। नहीं सर, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा जाने वाला है वो बताइए आप। पहले बता रहे 35,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द फर्स्ट फेज, बाकी जो 10,000 करोड़ वो भी एलोकेट हो जाएगा। नहीं, जो 19 तारीख को पैसा जाएगा, हाँ, तो में, तो वो कितना पैसा जाएगा, मेरा सवाल ये है। आपके अभी पता नहीं कि 19 तारीख तक, 17 अगस्त तक टोटल कितनी महिलाओं के एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक 80,00,000 महिलाओं के एप्लीकेशन अप्रूव हो गए। 80,00,000 एप्लीकेशन इंटू 3,000 पोलिटिकल 8 तारीख 240 करोड़ के आसपास। नहीं सर, इस पूरे स्कीम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि बजट में अजीत पवार के भाषण में 46,000 करोड़ का प्रोविजन बताया गया था, अब जब उनका स्टेटमेंट आ रहा है तो 10,000 या 11,000 करोड़ कम हो गया, 35,000 करोड़ बता रहे, तो शंका तो क्रिएट होगी ना सर। कोई शंका की बात नहीं, इस योजना पे टोटल 45,000 करोड़ रुपए हर वर्ष खर्च हो रहा है, उसमें से 35,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से ऑलरेडी रिलीज हो गया। और दिस इज
बाकी 10,000 करोड़ भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द लाभार्थी। सर मुंबई साठी प्रतिसाद खूप कमी असं वाटत नाही, कारण 1,50,00,000 हे आहे मुंबई साठी। माझी पण चिंता आहे मुंबईमध्ये एक अंदाज, मी अंदाजात मी सांगू शकतो की 20-25 लाख महिला असे आहेत त्या ही योजनामध्ये येऊ शकतात, आणि त्याच्यामध्ये फक्त 3-3.5 लाख मुंबई सिटी आणि 1.5-5 लाख के आसपास अजूनपर्यंत आलेले आहेत, म्हणजे 5-10 लाख महिला अजून यायला पाहिजे कमीत कमी। आणि याच्यासाठी एक अप्लिकेशन भरण्याचं जो काम आहे जोरात चालू आहे, आम्ही पण सुरू करतो आता एक 2 तारखेपासून आता आम्ही संपूर्ण मुंबई एक वेगवेगळ्या ठिकाणी काउंटर वाउंटर लावून आता जास्तीत जास्त महिलांना याच्यामध्ये आणायचं आहे स्कीम मध्ये, असा आमचा प्रयास चालू आहे।